भाई आप में से कितने लोग गेस कर सकते हो कि ये क्या है? अगर नहीं कर सकते हो तो मैं बताता हूँ। तो अगर आपने पबजी या फिर बीजीएमआई खेली होगी ना तो आपको पता होगा कि उसमें आपको एक लेवल 3 हेलमेट मिलता था, और ये जो है ना ये एक लेवल 3 हेलमेट है। अब वैसे पबजी में जो लेवल 3 हेलमेट होता है ना भाई बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन इस वीडियो में ना आपको ये जो लेवल 3 हेलमेट है भाई बहुत ही आराम से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप पूछ रहे हो भाई ये है क्या चीज़ वैसे। तो ये जो है ना ये है एक नंबर के न्यू गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन जिनका नाम है सुपर बर्ड्स प्रो GT9। और ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के हिसाब से ना भाई इनका जो डिज़ाइन है ना भाई बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन इसके अलावा ना इसका जो प्राइस है ना वो भी मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। सिर्फ 899 रुपये में यहाँ पर ये आ रहे हैं, और ऑब्वियसली गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है तो इसकी जो परफॉर्मेंस कैसी है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने पहले ही बताया ना कि ये जो लेवल 3 हेलमेट है ना आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं यहाँ पर 10 सुपर बर्ड्स प्रो GT9 का गिव अवे कर रहा हूँ। तो इनको जीतने के लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है ना वो है 10,000 लाइक, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। हर 1,000 लाइक पे ना मैं एक यहाँ पर सुपर बर्ड्स प्रो GT9 का गिवे करूंगा। तो भाई जल्दी से ना लाइक के बटन को एक हेडशॉट समझ के मार दो और ये जो लेवल 3 हेलमेट है आपका हो जाएगा। और उसके अलावा एक और छोटा सा रूल है जिसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले तो ना ये जो है कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में आते हैं, और सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलूंगा कि भाई जो इसका प्राइस है ना उसके हिसाब से यहाँ पर बॉक्स पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया है। और देख सकते हो यहाँ पर इसका नाम लिखा है सुपर बर्ड्स प्रो GT9 ENC गेमिंग TWS, और यहाँ पर इनकी टैग लाइन है बिलीव अचीव और राइज, और पीछे भी इसके कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है तो आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और एक चीज़ है कि इसके बॉक्स पे जो इसका प्राइस लिखा है ना वो लिखा है 3,999 रुपये, लेकिन ये आपको मिलेंगे भाई 899 रुपये में फ्लिपकार्ट से। तो जल्दी से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। वैसे तो मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर एक और जो आर्ट वर्क है और इस पर लिखा है स्टॉप वॉर प्ले मोर, तो भाई थोड़ी सी यहाँ पर जो फंकी सी पैकेजिंग है। और उसके अलावा यहाँ पर जो TWS है वो कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आते हैं हमारे लेवल 3 हेलमेट जैसे TWS, और इनका डिज़ाइन भाई देख ही सकते हो कुछ इस तरह से रहता है भाई, बहुत ही सही लगा मुझे। और उसके अलावा यहाँ पर जो बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स और है, और ऑब्वियसली इसमें यहाँ पर इसकी कुछ एसेसरीज रहेंगी, तो इसको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर सबसे पहले तो जो इसकी चार्जिंग केबल है USB-A to USB-C चार्जिंग केबल, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ईयर जो टिप्स रहते हैं, मतलब सच बोलूँ भाई लग नहीं रहा भाई 899 वाले TWS है। उसके अलावा यहाँ पर बॉक्स में कुछ और जो यहाँ पर पेपर वर्क है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल है, और साथ में यहाँ पर जो वारंटी इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर इसमें आपको एक ईयर की वारंटी मिलती है, और चार्जिंग केबल की जो वारंटी है वो यहाँ पर 3 मंथ है। वैसे चार्जिंग केबल की भी वारंटी होती है क्या? तो ये इसकी जो वारंटी इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो भाई बॉक्स के कंटेंट है, लेकिन अब आते हैं हमारे सुपर बर्ड्स प्रो GT9 TWS ईयरबड्स की तरफ। और सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पर देख सकते हो ना, इन ईयरबड्स का जो डिजाइन है ना बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और यहाँ पर ये जो है ना ये लेवल 3 हेलमेट जैसे इनकी शेप लगती है। डिज़ाइन तो इसका वैसे काफ़ी अच्छा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज भी ना यहाँ पर ये जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है ना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। लग नहीं रहा भाई 899 रुपये के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है। ऊपर की तरफ देख सकते हो भाई जो हेलमेट की शील्ड रहती है, लेकिन इसी के ऊपर यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ वो भी भाई बहुत ही सटल सा लिखा हुआ है, काफ़ी सही है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको मैट टाइप की फिनिशिंग मिलती है। वैसे तो जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो यहाँ पर पूरी प्लास्टिक है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ हुआ है। वैसे नंबर को मेरा एक सजेशन है कि इनका जो डिज़ाइन है ना भाई बहुत ही सही है, तो एक आई थिंक स्पेशल एडिशन यहाँ पर निकाल सकते हैं मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ, तो फिर तो भाई एकदम बिल्कुल लेवल 3 हेलमेट जैसा लगेगा। बाकी जो लेवल 3 हेलमेट होता है ना वो वैसे काफी बड़ा सा होता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पर TWS है तो थोड़ा सा ऐसे ना जैसे हेलमेट को पिचका दिया हो। और पीछे की तरफ इसका जो USB-C आपको चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है इसको चार्ज करने के लिए। बैटरी बैकअप के बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन अब इसको एक बार मैं ओपन करके भी दिखाता हूँ। और ओपन करते ही देख सकते हो यहाँ पर आपको इसके जो ईयरबड्स हैं वो कुछ इस तरह से मिलेंगे। ऑब्वियसली भाई गेमिंग TWS है तो इनका जो डिजाइन है ना गेमिंग TWS जैसा ही है थोड़ा सा, लेकिन एक चीज़ और दिखाऊं कि जैसे आप यहाँ पर ये जो हेलमेट है ना इसको क्लोज करते हो ना तो यहाँ पर जो आईज वगैरह ना वो ब्लिंक होती हैं, जो कि ना भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसे कूल सी लगती है, और लगता है भाई जैसे कोई आदमी वगैरह उसकी आंखें यहाँ पर ब्लिंक हो रही हैं। तो ये चीज़ भाई डिज़ाइन वगैरह मुझे काफ़ी सही लगा इस हेलमेट का, या फिर मैं बोलूँ TWS का। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये मैग्नेट है तो यहाँ पर किसी तरह से ये ओपन नहीं होता अगर आपके बैग वगैरह में रहेगा। लिड की क्वालिटी यहाँ पर बोलूँ कि ठीक है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये मेटल होता ना तो थोड़ा सा और प्रीमियम सा लगता। उसके अलावा यहाँ पर ये जो ईयरबड्स हैं उनका जो डिज़ाइन है उसको भी देख लेते हैं। तो इनको मैं इनके केस से यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर ये जो है ना ये आपको जो ईयरबड्स हैं वो कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको
जो इन ईयर टाइप का जो स्टाइल देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ भी यहाँ पर देख सकते हो कुछ LED लाइट्स हैं, तो यहाँ पर अभी ये पेयरिंग मोड पर आ गए हैं। तो इन ईयरबड में आपको यहाँ पर 13 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलेगा, IPX4 की रेटिंग है। बाकी इस ईयरबड में आपको यहाँ पर 30 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो एक बार इन ईयरबड्स को अगर आप चार्ज करते हो ना, तो अराउंड आपको 6 से 7 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा, और इस केस की मदद से ना यहाँ पर आपको टोटल 48 hours का जो प्लेबैक टाइम मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि भाई बहुत ही सही है। बाकी केस में यहाँ पर आप इसकी जो बैटरी वगैरह देख सकते हो, तो छोटे छोटे LED लाइट्स हैं, और फ्रंट में तो देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पर दिखाई दिया आपको कि यहाँ पर कुछ ऐसे आईज वाली LED लाइट मिलती हैं। और इन ट्रूवायरलेस ईयरफोन्स में ना यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, तो अगर आप इनको सिर्फ 10 मिनट चार्ज करते हो ना, तो 3 घंटे का प्लेबैक टाइम भी मिल जाता है। तो भाई स्पेसिफिकेशन वाइज ना, जो भाई इसका प्राइस है ना 899 rupees, उसके हिसाब से मेरे को लगता है भाई बहुत ही बढ़िया है इन ट्रूवायरलेस ईयरफोन्स की। लेकिन ऑब्वियसली ये गेमिंग ट्रूवायरलेस ईयरफोन्स है, तो इनमें आपको यहाँ पर एक गेमिंग मोड भी दिया हुआ है, और इसमें वैसे बोलते हैं कि आपको 40 ms की लेटेंसी मिलती है, तो उसको मैं आगे चेक करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको अपने फोन से यहाँ पर पेयर कर लेता हूँ। तो इन ईयरबड्स को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसको ओपन करना है, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेयरिंग मोड पर आ जाते हैं, और उसके बाद अपने फोन में यहाँ पर ब्लूटूथ है उसे इनेबल रखना है, और यहाँ पर आप देख पाओगे सुपर बर्ड्स प्रो GT9, तो इस पर टैप कर दो, और ये जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं ये आपके फोन के साथ पेयर हो जाएंगे। तो पेयरिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जैसा था इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, और मैंने यहाँ पर कुछ दिन इसको टेस्ट किया, और मुझे भाई कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई, रेंज भी काफ़ी अच्छी खासी है इसकी, और यहाँ पर आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, तो उसको भी एक बार मैं आपको दिखाया था वो कैसे काम करते हैं। तो सॉन्ग प्ले पॉज करना है, तो किसी भी ईयरबड पर सिंगल टैप करना है, तो यहाँ पर सॉन्ग प्ले हो जाएगा, वापस से किसी भी ईयरबड पर दोबारा से टैप करोगे तो सॉन्ग पॉज हो जाता है। नेक्स्ट सॉन्ग पर जाने के लिए डबल टैप करना है किसी भी ईयरबड पर, तो नेक्स्ट सॉन्ग पर चले जाएंगे। प्रीवियस सॉन्ग पर जाना है, तो किसी भी ईयरबड पर आपको 3 times टैप करना है, तो प्रीवियस सॉन्ग पे आ जाते हो। उसके अलावा गूगल असिस्टेंट सीरी यूज़ करते हो, तो लेफ्ट वाले ईयरबड पे 2 seconds के लिए होल्ड करके रखना है, और यहाँ पर कुछ भी आप यूज़ करते हो गूगल असिस्टेंट सीरी, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो टच कंट्रोल्स यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम कंट्रोल वाला फीचर नहीं दिया हुआ, तो उसको इंक्रीज डिक्रीज करना होगा, तो फोन से ही करना होता है। उसके बाद इसमें आपको गेमिंग मोड दिया हुआ, और उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको राइट वाले ईयरबड पे 2 seconds के लिए होल्ड करके रखना होता है, और यहाँ पर एक वॉइस प्रॉम्प्ट आता है गेमिंग मोड ऑन। और गेमिंग मोड में इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं भाई इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है अगर आप इनको ले रहे हो भाई म्यूजिक वगैरह के लिए। तो सबसे पहले ना इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर काफी बड़े बड़े 13 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, और इनकी साउंड क्वालिटी ना, मतलब जो इसका प्राइस है 899 rupees, तो उसके हिसाब से अगर आपको बेस बहुत ज्यादा पसंद रहता है ना, तो उसके हिसाब से आपको काफी बढ़िया लगेंगे, काफी थम्पी काफी बूमी बेस यहाँ पर आपको सुनने को मिलता है, तो अगर आप बेस हेड हो ना, तो ये आपको भाई बहुत ही बढ़िया लगने वाले हैं। लेकिन जो बेस हैवी होने की वजह से ना यहाँ पर जो मिड फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी सफर करती है, तो जो वोकल्स रहते हैं डायलॉग्स रहते हैं वो थोड़े से दब जाते हैं, लेकिन आराम से आप इस पर मूवीज या फिर जैसे सॉन्ग वगैरह इंजॉय करोगे। उसके अलावा यहाँ पर जो हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिनमें जैसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, तो वहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो सेपरेशन है वो यहाँ पर ठीक ठाक है, बहुत ऐसे मतलब रिचनेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो इनका प्राइस है ना उसके हिसाब से यहाँ पर जो इनकी साउंड क्वालिटी है डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो डिटेलिंग रहती है ना वो इतनी रिच नहीं रहती है। तो अगर आपको भाई बेस ज़्यादा पसंद है, काफ़ी अच्छा खासा बूमी बेस सुनना पसंद करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी सही लगेगी। लेकिन अगर आप जैसे बैलेंस साउंड सुनना पसंद करते हो मेरी तरह, तो म्यूज़िक वाइज आपको इनकी जो साउंड क्वालिटी है यहाँ पर ठीक ठाक ही लगेगी। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली ये एक गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है, तो उनमें इनकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ पर जो कंपनी के हिसाब से इन ईयरबड्स में आपको जो गेमिंग मोड मिलता है उसमें आपको जो लेटेंसी मिलती है वो मिलती है अराउंड 40 ms की, और यहाँ पर हमने जो पबजी है उसे चालू कर लिया, और ईयरबड्स को मैंने यहाँ पर माइक पर भी लगा लिया ताकि आप भी सुन पाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको बिना गेमिंग मोड ऑन के यहाँ पर टेस्ट करेंगे, और देखेंगे यहाँ पर जो कितनी लेटेंसी रहती है बिना गेमिंग मोड ऑन के। तो यहाँ पर फायर कमांड टैप करूँगा, फिंगर लिफ्ट करूँगा, और यहाँ पर आप देख पाओगे जो साउंड है वो इसमें कितना डिले रहता है। तो जैसा आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मैं फिंगर यहाँ पर टैप करता हूँ फायर कमांड पे और वापस से इधर टैप करता हूँ, तो उतनी देर बाद साउंड आ रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 300 ms के आसपास की जो लेटेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है बिना गेमिंग मोड ऑन के। और अब एक बार इसका जो गेमिंग मोड है उसे ऑन कर लेते हैं, और उसके लिए जैसा था लेफ्ट वाले ईयरबड पे आपको 2 seconds के लिए होल्ड करके रखना है और छोड़ देना है गेमिंग मोड ऑन। तो यहाँ पर जो गेमिंग मोड है वो ऑन हो गया, और अब देखते हैं यहाँ पर जो लेटेंसी है वो कितनी रहती है। तो वापस से मैं यहाँ पर फायर कमांड पे टैप करूंगा, फिंगर लिफ्ट करूंगा, और आप यहाँ पर देखोगे जो लेटेंसी आप कितनी मिलती है, देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ
उसके थोड़ी देर में यहाँ पर जो साउंड आ जाती है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो लेटेंसी है अराउंड 40-50 मिलीसेकंड के आसपास ही है। तो जैसा आपने देखा कि गेमिंग में यहाँ पर इन ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। जैसे कंपनी ने बोला था कि 40 मिलीसेकंड के आसपास की लेटेंसी, तो अराउंड उसी के आसपास मिलती है, अराउंड 40-50 मिलीसेकंड के आसपास। तो अगर आप पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर जैसे फ्री फायर जैसे कोई गेम खेलते हो तो यहाँ पर इन ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स पे आप आराम से खेल सकते हो। और वैसे कंपनी का कहना है कि ये इंडियाज फर्स्ट ई स्पोर्ट्स गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँ कि यहाँ पर लेटेंसी अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स में भाई बहुत ही कॉम्पिटेटिव गेमिंग होती है। तो अगर ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आप यूज़ कर रहे हो गेमिंग के लिए, तो मैं बोलूँगा कि आप कैजुअल गेमिंग तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत प्रो भी हो तो भी आप इन ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स को यूज़ कर पाओगे, काफ़ी यहाँ पर कम लेटेंसी मिलती है। बट एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी है इन ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आपको जो बेस है बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, तो म्यूज़िक के हिसाब से सही अगर आप बेस ऐड हो तो, लेकिन गेमिंग में ना मुझे लगता है कि जो बेस है ना वो थोड़ा सा वैसे अगर कम हो ना तो थोड़ी डिटेलिंग वगैरह ज़्यादा पता लगती है। लेकिन जो इनका प्राइस है ना भाई, उसके हिसाब से जो आपको यहाँ पर लुक मिलती है, जो यहाँ पर डिज़ाइन है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, मतलब चाहे बैटरी वाइज हो चाहे यहाँ पर लेटेंसी वाइज हो, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स है एक तरह से वैल्यू फॉर मनी है। दिखने में तो काफ़ी सही लगते हैं, तो अगर आप गेमर हो ना तो आपको इनका डिज़ाइन काफ़ी सही लगेगा, लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह नहीं भी करते हो ना तो भी यहाँ पर इनको आप कलेक्ट करके रख सकते हो एक तरह से सुवेनियर की तरह। मैं इसको अपने टेबल पे रखने वाला हूँ, यहाँ पर काफ़ी यार दिखने में अच्छा लग रहा है ये। और अगर आप गेमिंग करते भी हो तब भी मुझे लगता है कि यहाँ पर ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। 899 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, और डिज़ाइन वगैरह तो भाई बहुत ही यहाँ पर यूनिक सा है। तो आपको कैसे लगे ये सुपर बर्ड्स प्रो GT9, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। लेकिन जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था कि इस वीडियो में मैं यहाँ पर 10 सुपर बर्ड्स प्रो GT9 का गिव अवे कर रहा हूँ, और उसके लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले तो इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है आज की वीडियो का वो है 10,000 लाइक, तो जल्दी से लाइक करने दबा दो। हर 1,000 लाइक पर ना मैं यहाँ पर एक सुपर बर्ड GT प्रो का गिव अवे करूंगा। बाकी इसके अलावा इस वीडियो में मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आपको नीचे आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और इस चैनल पर अगर आप नए हो, इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की अगर एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको